14 वर्ष के वनवास के पश्चात भगवान राम के आने पर अयोध्या वासियों की जो प्रतिक्रिया हुई थी वही प्रतिक्रिया मेरी है। अपनी राम कथा में श्री राम राज्याभिषेक का उत्सव तब करूंगा जब ये निर्णय हमारे पक्ष में आ जाएगा। कुछ भी नहीं शास्त्र से विरुद्ध है। 14 वर्ष के वनवास के पश्चात भगवान राम के आने पर अयोध्या वासियों की जो प्रतिक्रिया हुई थी वही प्रतिक्रिया मेरी है। मेरे हर्ष का कोई ठिकाना नहीं। दो प्रतिज्ञाएं, पहली कि श्री अयोध्या में कथा करने तब आऊंगा जब राम जन्मभूमि का निर्णय हो जाएगा, एक। और दूसरी प्रतिज्ञा की थी तो अपनी राम कथा में श्री राम राज्याभिषेक का उत्सव तब करूंगा जब ये निर्णय हमारे पक्ष में आ जाएगा। दोनों प्रतिज्ञाएं भगवान ने पूरी कर ली, तो मैं बहुत प्रसन्न हूं। कुछ भी नहीं शास्त्र से विरुद्ध है। पौष मास है पर मकर संक्रांति के सूर्य है, सौर मास मकर का है और द्वादशी तिथि है शुक्ल पक्ष, पुनर्वसु नक्षत्र है, उसमें त्रेता की छाया आ रही है, उसी समय भगवान राम गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे, राम लीला जी।